नीट जेईई मेन परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए सीएम शिवराज ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। परीक्षा केंद्र तक छात्रों के आने जाने की निशुल्क परिवहन की सुविधा दी। परीक्षार्थी को 181 और मध्य प्रदेश ई पास पोर्टल पर संपर्क कर करना होगा। एक सहयोगी को भी परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए निशुल्क परिवहन की सुविधा मिलेगी। परीक्षार्थी को जिला मुख्यालय विकास खंड मुख्यालय तक पहुँचाना होगा, जहाँ से सुविधा मिलेगी। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आने और जाने दोनों के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। मेरे प्रिय भांजे भांजियों, यदि आप जेई मेन और नीट 2020 की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हो, आज कोरोना महामारी को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला हमने आपके लिए किया है। कोरोना के कारण कोई समस्या ना हो, इस उद्देश्य से परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए निःशुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके लिए केवल परीक्षार्थी को 1@1 या मध्य प्रदेश ई पास पोर्टल पर संपर्क कर रजिस्टर कराना होगा। संबंधित जिला प्रशासन को मैंने निर्देश दिए हैं, परीक्षार्थी को यह सुविधा उपलब्ध कराएगा। अगर परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ एक सहयोगी को भी निःशुल्क ले जा सकेंगे। ये निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था परीक्षा देने आने के लिए भी होगी और वहां से वापिस जाने के लिए भी होगी। लेकिन विद्यार्थी को यह सुविधा विकास खंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय से मिलेगी। वहां से परीक्षार्थी यदि किसी गांव में रहता है तो अपने गांव से उसको विकास खंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय आना पड़ेगा। वहां से उसके लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था होगी। मेरे बेटे बेटियों को असुविधा ना हो और वो ठीक से सुविधा सहित परीक्षा दे सकें, इसलिए व्यवस्था की गई है। इसका लाभ उठाएं, ठीक से परीक्षा दें और सफल हों, मेरी शुभकामनाएं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।